बने रहिए, बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा, फुल वॉच करिएगा। आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग लेकर आए हैं अजमेर शरीफ मिलादुल नबी डेकोरेशन। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए अजमेर शरीफ का व्लॉग, और वो भी हम आज ज़्यारत करेंगे और आपको भी दिखाएंगे इस वीडियो में कि हमने आज यहाँ पर क्या क्या किया, और वो सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो देख सकते हैं कि हम सब जा रहे हैं दरगाह पर, और यहाँ पर देख सकते हैं सारा मार्केट लगा हुआ है, और आज हमें मुंबई भी जाना है, और मैंने सोचा कि सबसे पहले अजमेर शरीफ चलें और ज़ियारत करें, उसके बाद अपनी तैयारी हम करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ का मार्केट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं। तो इस तरीके से हमारा अजमेर वाले व्लॉग जितने भी मैंने अपलोड किए, बहुत बहुत आपने पसंद किया, बहुत अच्छा लगता है आप लोग मेरे वीडियो को देखते हैं और पसंद करते हैं। सो फ्रेंड, अब हम पहुंच चुके हैं दरगाह पर, और अभी दरगाह के अंदर नहीं जाएंगे, अभी थोड़ा सा हमारा काम बाहर है, वो सारे काम जब हमारे हो जाएंगे उसके बाद हम दरगाह के अंदर जाएंगे और आपको दरगाह की ज़ियारत भी करवाएंगे। तो वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। जो लोग ख्वाजा गरीब नवाज़ से मोहब्बत करते हैं तो वो ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिए और लाइक ज़रूर करिएगा, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे व्लॉग आपके साथ शेयर कर पाऊँ। सो फ्रेंड, सबसे पहले हम पहुंच गए हैं चाय पीने के लिए। तो शाम के बज रहे हैं 5, और चाय पीना तो बनता ही है, तो मेरे बच्चों ने कहा चलिए हम सबसे पहले हम चाय पियेंगे फिर दरगाह में जाएंगे। तो ये वही चाय शॉप है जहां हम हमेशा आते हैं, तो यहीं पर सबसे अच्छी चाय मिलती है, आप लोग भी यहां आइए, और दरगाह के बाजू में ये चाय की शॉप है। तो अब हम पहुंच गए हैं फ्लावर शॉप पर, और यहां से लेंगे फूल दरगाह के लिए, और हम जाएंगे दरगाह के अंदर और आपको भी ज़ियारत करवाएंगे। तो हम यहां पर जब फूल ख़रीदते हैं तो यहां पर हम अपनी चप्पल वगैरह रख देते हैं, क्योंकि अंदर चप्पल पहनकर नहीं जाने दिया जाता है, तो इस वजह से हम जो हैं यहां पर चप्पल अपनी रख कर जाते हैं। तो चलिए चलते हैं दरगाह के अंदर, और देख सकते हैं कि हम लोग दरगाह के अंदर जा रहे हैं, और अब चलेंगे अंदर और करेंगे ज़ियारत। आप लोग वीडियो को इसकी बिल्कुल नहीं करिएगा। सो फ्रेंड, आज हम मुंबई जाने वाले हैं, तो हमने सोचा चलिए सबसे पहले ख्वाजा गरीब नमाज की ज़ियारत कर लेते हैं दरगाह की। तो अब हम पहुँच चुके हैं दरगाह के अंदर, और आज हमें मुंबई भी जाना है, और आज हमें सारी तैयारी भी करनी है, आज ही की हमारी टिकट है। तो यहाँ पर आकर बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत दिल को सुकून मिला। जो लोग अब बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं तो कभी कभी यहाँ आ जाया करें, आपको भी सुकून मिलेगा, क्योंकि जब हमारा दिल बहुत मायूस होता है तो हमें कहीं नहीं जाना चाहिए। अगर दिल को सुकून करना है तो अगर अजमेर शरीफ आने का शौक रखते हैं तो ज़रूर यहाँ पर आए। तो देख सकते हैं सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, और बहुत पब्लिक आती है, बहुत लोग आते हैं यहाँ पर और अपनी दुआएं कबूल करवा लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी भी एक दुआ कबूल हो चुकी थी, उसी की जो है हमने मन्नत पूरी कर दी है, उसी वजह से हम आए भी थे, और मन्नत जो है पूरी होना हो जाए तो हमें आकर अपनी चादर वगैरह यहाँ पर चढ़ा देनी चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सारे लोग खड़े हुए हैं, और ये देख सकते हैं दरगाह की ज़ियारत करने हम लोग अंदर गए थे, तो थोड़ा सा आप लोग भी देख सकते हैं और अपनी दुआ मांग सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपकी भी दुआ ज़रूर कबूल होगी। तो कैमरा अंदर अलाउड नहीं है, और यहाँ पर आपको बहुत सावधानी रखना, क्योंकि अंदर बहुत भीड़ भाड़ होती है, तो आपको जो है अपना पॉकेट और अपना मोबाइल संभालना है। तो यहाँ पर हमने जो है किताबें जो है रखी हुई हैं, तो हम यहाँ पर आकर हम लोग पढ़ सकते हैं जो भी है। तो यहाँ पर यासीन शरीफ जो है पढ़ा था, और नमाज़ वगैरह हम पढ़ चुके हैं,
तो यहाँ पर जो है नमाज़ वगैरह होने के बाद फिर हम यहाँ पर थोड़ा सा हम और खड़े हुए थे, तो हमने कहा कि चलिए आप लोग के लिए दरगाह दिखा दें आप लोगों को, आप लोग भी दुआ मांग लें। तो यहाँ पर देख सकते हैं सारे लोग बैठे हुए हैं, बाहर बैठकर भी हम दुआ मांग सकते हैं। तो देख सकते हैं कि सारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, सभी लोग आते हैं, हर तरह के लोग यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद और बैठने के बाद बहुत सुकून सा मिलता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग बैठे हुए हैं, तो काफ़ी देर तक बैठे थे हम लोग, क्योंकि हम लोगों को बाद में जो आने का मौका भी नहीं मिला था, बारिश बहुत होने लगी थी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर आधा पौना घंटा बैठे थे और बहुत सुकून मिल रहा था। तो मेरे बच्चे लोग देख सकते हैं, मैंने कहा ये आखिरी वीडियो है, निकाल लें, और आखिरी ज़ियारत है, इसके बाद पता नहीं कब हमारा आना हो ना आना हो। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर थोड़े वीडियो बनाए और यादगार भी हमारी रहेगी, क्योंकि ये वीडियो मैं ख़ास करके अपनी यादगार के लिए बना रही हूँ, ताकि जब मैं कभी आऊँ, कभी मेरा मन करे वीडियो देखने के लिए, तो मैं देख सकूँ कि हम अजमेर शरीफ कब गए थे, कौन कौन गया था। क्योंकि जब हम बहुत दिन के बाद सारी चीज़ें भूल जाते हैं, ज़रूरी नहीं कि हमें हर चीज़ याद रहे, हर बात याद रहे, लेकिन मोबाइल ऐसी चीज़ है कि ये हमेशा रहेगा हमारे पास और हमेशा हम देख सकते हैं। और पता नहीं अब मेरा कब आना हो, मुझे खुद नहीं पता है कि मैं अब यहाँ पर कब आऊँगी, लेकिन इस वजह से मैं यादगार के लिए ये वीडियो बना लेती हूँ और हमेशा हमारे सामने हमारा वीडियो रहता है। और ये देख सकते हैं यहाँ पर ड्रोन से कोई जो है शूट कर रहा है, तो दरगाह ऊपर से भी लोग शूट करते हैं। तो यहाँ पर शोएब और सैफ ने बहुत सारे इन लोगों ने फ़ोटो क्लिक किए और बहुत सारे वीडियो भी मैंने इन लोगों के बनाए। ये लोग वीडियो फ़ोटो शूट का फ़ोटो निकाल रहे थे, लेकिन मैं यहाँ पर इनका वीडियो बना रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और एक निशानी के तौर पर हमें बहुत सारे फ़ोटो हमने निकाले। और ये देख सकते हैं दरगाह शरीफ कितनी ब्यूटीफुल सी लग रही है, और यहाँ पर हम दरगाह के फूल लेकर आए हैं जो हम अपने घर पर लेकर जाएंगे। और वीडियो में बने रहिए, नया वीडियो एक और है जो के अंदर आपको डेकोरेशन दिखाएगा। तो मिलादुन्नबी की जो है ये ब्यूटीफुल सी जो है सजावट आप देखिए ज़रूर, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि जो है मैं चाहती हूँ कि मेरे वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आप देखें। और ये है वीडियो मेरा, कुछ हम गए थे 1 तारीख को गए थे और ये मेरा 3 तारीख का वीडियो है। तो अब हम देख सकते हैं हम लोग सारे लोग बाहर आ चुके हैं, और बाहर आने के बाद हमने बहुत सारे यहाँ के वीडियो शूट किए और अभी एक नया वीडियो आपके सामने और आने वाला है। तो ये देख सकते हैं मिलादुन्नबी की जो है डेकोरेशन, जो कि बहुत ज़्यादा बेहतरीन किया गया है इस बार, और बहुत अच्छा सजावट थी ख्वाजा गरीब नमाज की, में मुझे लगता है फर्स्ट टाइम ये इतने अच्छा डेकोरेशन किया गया है। तो ये डेकोरेशन किया गया है मिलादुन्नबी की याद में, यानी 12 रबी अव्वल, जिसे कहते हैं 12 वफात। तो जब हमारे मोहम्मद यानी के हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पैदाइश का दिन है और उनका वफात का भी दिन है, तो दोनों दिन एक ही हैं, जब उनका वो पैदा हुए थे और उनका इंतकाल हुआ था, तो 12 रबी अव्वल यानी कि 12 वफात। तो ये उसी का डेकोरेशन है मिलादुन्नबी, तो बहुत बहुत अच्छा सजाया है, ये देख सकते हैं। तो थोड़ी सी क्लिप मैंने इसमें जोड़ दी है अपने वीडियो के साथ, ताकि मैं चाहती हूँ कि मैं अजमेर के सारे व्लॉग आपके साथ मैंने शेयर किया है, तो आप यहाँ का डेकोरेशन भी देखें कि कब इस बार कितना ही खूबसूरत डेकोरेशन कराया गया है। तो वैसे अजमेर शरीफ में बहुत सारे लोग पैसे वगैरह देते हैं और बहुत सारे लोग डोनेट करते हैं पैसा,
यहाँ पर ज़ियारत करने जो आते हैं काफ़ी पैसे दे के जाते हैं और हमें देना भी चाहिए ताकि दरगाह में जो भी है काम वगैरह जो होता है वो हो जाए। तो हमें गल्ले वगैरह में भी पैसे यहाँ पर डाल देना चाहिए और जितना होता है हम लोग तो अपने हिसाब से कर देते हैं, लेकिन सभी को करना चाहिए क्योंकि दरगाह में बहुत सारे काम वगैरह होते हैं, कहीं टूट फूट जाता है तो भी जो है लोग बनवाते हैं खादिम लोग, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है यहाँ पे, हमें भी देना चाहिए। और ये देख सकते हैं कि दरगाह का डेकोरेशन बहुत बहुत बेहतरीन किया गया है, तो बहुत अच्छा लगता है जब यहाँ आ जाओ, बहुत सुकून मिलता है। और जो लोग कभी नहीं आए हैं तो यहाँ पर आएँ, और यहाँ पर आने के बाद अपना जो भी, सारे लोग आज के ज़माने में सुकून में नहीं है, सबकी ज़िंदगी में बहुत ही उलझने हैं, तो उन उलझनों से मैं ये कहना चाहूँगी कि निकल कर आप थोड़ा अपना जो है ध्यान अच्छी तरफ लगाएं, और जैसे कि नमाज है और दरगाहों पे जाना और अल्लाह से दुआ करना, तब आपका दिल सुकून में रहेगा। तो बहुत सारे लोग अपना वक्त निकाल कर यहाँ पर आते हैं, दुआएं करते हैं, दुआएं कबूल भी होती हैं। तो इस तरीके से जो है दुनियादारी तो चलती रहती है, काम धंधा चलता रहता है, ये सब हमेशा जब तक हम जिंदा हैं ये होता ही रहेगा। तो आप लोग अगर ये वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। और ये बाहर का व्यू है, देख सकते हैं कितना अच्छा डेकोरेशन किया गया है। तो इस तरीके से ये ख्वाजा गरीब नमाज का डेकोरेशन बहुत बहुत प्यारा था। तो इस तरीके से आप लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, पसंद करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।